हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए एक्लेयर का टेम्पलेट, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया, ठीक है। लगभग 100-150 टेम्पलेट आप लोगों को आज हम देने वाले हैं। तो सिंपली क्या करना है, देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि एक्लेयर एप्लीकेशन में अपना टेम्पलेट ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि देखिए पीछे बैकग्राउंड में जो है ना, दिखा देता हूँ फिर, जैसे कि बैकग्राउंड में देखिए ये भोले शंकर का फ़ोटो लगा हुआ है, ठीक ना, और इस बीच में भी फ़ोटो लगा हुआ है, इसमें भी फ़ोटो लगा हुआ है, तो ये सब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अपने म्यूजिक के हिसाब से गाना सेव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि आपका ये म्यूजिक है, आप अपना फ़ोटो लगा दिए तो इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ़ोटो के हिसाब से। अगर आप लोगों को ये सीखना है तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमको इसमें विजुअलाइजर जो है ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, टेम्पलेट जो है ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली देखिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए लोड फ्रॉम फाइल लिखा हुआ है, ठीक ना, ये जो है लोड फ्रॉम फाइल, इस पर हम क्लिक कर देंगे। बाकी जहाँ भी टेम्पलेट रहेगा ना, उस वाले फाइल में जा करके बारी बारी से ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे देखिए मैं 2-4 ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ये ऐड करना है, ये देखिए सिंपली ऐड हो गया है, ठीक है। आप लोगों को चला करके भी दिखा देता हूँ किस प्रकार का है ये, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का, ठीक है ना दोस्तों। फिर से हम जैसे ऐड करना है इसको, फिर से इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से लोड फ्रॉम फाइल से क्लिक करेंगे और फिर से कोई दूसरा ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए तो ऐसे ही कर करके अपना टेम्पलेट जो है ना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये भी है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। कुछ 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 है जो इसमें ऐड नहीं होता, उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वायरस भी होता है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये रिमूव वाले बटन जो है ना, इस पे थोड़े देर तक दबाए रखना है, ठीक है, रिमूव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए मैं ऐड कर लेता हूँ, देखिए कितना अच्छा अच्छा है। जैसे कि इसमें ही बीच में देखिए फ़ोटो लगाना है, तो सिंपली फ़ोटो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पेंसिल वाले आइकॉन पे जाना है, ठीक है दोस्तों, पेंसिल वाले आइकॉन पे जाना है। और देखिए हम इस बीच में फ़ोटो लगाते हैं, ठीक ना। तो देखिए फ़ोटो लगाने के लिए सिंपली देखिए ये बटन है, ठीक है, ये इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इमेज है, ठीक ना, ये इमेज है, इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली देखिए ये इमेज का जो ऑप्शन आया ना, इस पर क्लिक करके यहाँ देखिए पिक इमेज लिखा हुआ है, ये जो है ना पिक इमेज, इस पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो जहाँ भी रहेगा ना वहाँ से ले लेंगे अपना फ़ोटो, ठीक है। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो ले लेता हूँ, आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऐड हो गया ना, ठीक है दोस्तों, ऐड हो गया। इसको जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको गोल करना है, गोल में पिक्चर लेना था, ठीक है, तो यहाँ से गोल कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए हो गया ना, तो यहाँ से कर सकते हैं आप लोग जो मर्जी वो कर सकते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक है। मैं इसी प्रकार का वीडियो और भी लाऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।